स्टैटिक जीके की 1500 क्वेश्चनों की सीरीज में आपका स्वागत है। यह वीडियो हमारी एसएससी की परीक्षाएं, रेलवे की एनटीपीसी तथा ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले, यदि आप अचीवर्स आईक्यू एजुकेशन पर नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलती रहे। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। और हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? इसका सही आंसर है पोटेशियम। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के ध्वज को किसने डिजाइन किया था? इसका सही आंसर है पिंगली वैकैया। अगला प्रश्न है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? इसका सही आंसर है किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली अभिनेत्री थी? इसका सही आंसर है नरगिस दत्त। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? इसका सही आंसर है स्वास्थ्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है, मुगल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? इसका सही आंसर है लियोनार्डो द विंसी। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है, ब्रजियान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगनी को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है तारा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, मिथिला पेंटिंग्स किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? इसका सही आंसर है बिहार की। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कौन सा बिल शुरू नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर है धन विधेयक। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? इसका सही आंसर है SLV। अगला प्रश्न है, संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? इसका सही आंसर है 1951 में। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? इसका सही आंसर है 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है? इसका सही आंसर है सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? इसका सही आंसर है तूफान का। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? इसका सही आंसर है मंगल पर। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? इसका सही आंसर है चांदी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? इसका सही आंसर है 7।
अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर है मीथेन। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 20 तथा 21। यदि आपको अच्छी वर्षा IQ के द्वारा दी गई जानकारियाँ यूजफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।